तो वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आज एक टॉपिक लेकर आए, आज हम बात करेंगे टॉप हार्डी फिशेस के बारे में। टॉप हार्डी फिशेस फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर्स हैं, एक नई टैंक लेकर आए हैं और आप कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सी फिशेस रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्वेरियम स्टोर में जाते हैं तो एक्वेरियम स्टोर वाले क्या करते हैं, तो समझ में नहीं आता कि कोई भी फिशेस लेकर उनको दे देते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एंजल फिश ला कर रखते हैं या सिचलेट्स ला कर रख देते हैं या शार्क ला कर रख देते हैं, तो वो ला कर रखते हैं, फिर उनको प्रॉपर केयर ना होने की वजह से या प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से वो फिशेस मर जाती है। तो इसलिए जानना ज़रूरी है कि कौन सी फिशेस बेस्ट हैं, जो अगर आप बिगिनर्स हैं तो कौन सी ला कर रखें जो लॉन्ग लाइफ तक जी सकती है और बहुत हार्डी भी होती है और बहुत चीप एंड बेस्ट भी होती है। अगर अभी तक ने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर एक नए टॉपिक से आता हूँ, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, तो टॉप 10 हार्डी फिशेस फॉर बिगिनर्स और चीप एंड बेस्ट भी होते हैं। तो सबसे पहला है गप्पी फिशेस। देखिए, गप्पी फिशेस बहुत हार्डी होती है, बहुत इजी टू केयर है, क्योंकि ये लाइव बियर्स होती हैं। ये हर 40 दिन में क्या करती है, ये बच्चों को देती है, बेबीज़ को देती है, वो भी ज़िंदा बच्चों को, अंडे नहीं देती। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हर 40 दिन में लाकर रखें टैंक में, तो बच्चे बढ़ते रहेंगे, वो प्रोड्यूस होते रहेंगे। तो इस तरह लाकर रखेंगे, बहुत सारे कलर से मिलते हैं, बहुत अलग वैरायटीज़ मिलते हैं, बहुत इजी टू केयर है, बहुत ब्यूटीफुल होती है। लेकिन ज़रूरी है कि आप प्लानेट टैंक में ही रखिए, नॉर्मल टैंक में नहीं रख सकते, प्लानेट टैंक में रखना ज़रूरी है। प्लानेट टैंक में रखेंगे तो बहुत जल्दी ब्रीड भी कर जाएंगे, बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा लाइफ भी ये जी पाएंगे। दूसरा नंबर बात करेंगे तो स्वाटेल। स्वाटेल जो है बहुत ईजी टू केयर है, बहुत हार्डी फिश होती है, बहुत ब्यूटीफुल भी है, और ये मौली फैमिली से बिलोंग करती है। इसका जो दुम होती है, जो फिन होता है, जिसका फिन जो होता है वो बहुत लंबा होता है, तलवार की तरह होता है, इसलिए इसको स्वाटेल कहते हैं। तो ये लाकर भी आप रख सकते हैं, बहुत पीसफुल भी होती है। तो इसको और क्या करना है, आपको 4-5 के हिसाब से आपको लाकर रखेंगे तो बहुत हार्डी रहेगी, बहुत पीसफुल भी रहेगी। आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है 50 रुपीज़ टू 60 रुपीज़ पेयर में मिल जाती है। ये भी लाइव बियर्स होती है, जिस तरह गप्पीज जो है लाइव बियर्स होती है, जो डायरेक्ट बच्चों को देती है, इसी तरह ये भी डायरेक्ट बच्चों को देती है, हर 3-4 महीने में एक बार ब्रीड कर लेती है। तो तीसरा है प्लैटिस। प्लैटिस भी लाइव बियर्स होती है, बहुत पीसफुल होती है, ये भी जो है सेम लुक लाइक मोलीज की तरह होती है। स्वाटेल और मोली सब एक ही फैमिली से बिलोंग करती है, ये भी बहुत पीसफुल होती है, और 20 रुपीज़ ईच या 30 रुपीज़ ईच आपको मिल जाएगी, 20-30 रुपये में सिंगल आपको मिल जाएगी, और इजी टू बहुत केयर होती है, और ये भी 4-5 साल तक जी लेती है अगर आप प्रॉपर केयर करें तो। और इनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छा क्वालिटी फ़िल्टर या पीएच लेवल देखो या अमोनिया, ऐसा कुछ नहीं है, आप एवरेज साइज के टैंक में लाकर रखो, ये तो जी लेती है। तो चौथे नंबर पर है बेटा फिश। देखिए, बेटा फिश को अलग रखना बेटर है कि कोई फिश इसके साथ मिक्स मत करे, अलग रखे, बहुत ब्यूटीफुल भी लगती है और बहुत यूनिक फिश होती है। फाइटर फिश आप सब जानते होंगे, जिसे सीएमएस या फाइटर फिश भी कहते हैं, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग ब्यूटीफुल वाइब्रेंट कलर में मिलती है। 150 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस होता है, और जो इम्पोर्ट फिश होती है बहुत ब्यूटीफुल होती है, इंडियन ब्रीड में मिलती है 50-60 रुपीज़ में, इंडियन की लोकल होती है, लेकिन जो इम्पोर्ट ब्रीड होती है बहुत ब्यूटीफुल होती है, ये 3 से 4 साल तक जी लेती है, लेकिन इनको अलग रखना पड़ता है। ये भी बहुत हार्डी होती है, इनको ज़्यादा आप देखभाल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उनका पीएच लेवल मेंटेन करो और टेम्परेचर का देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आप सिंपल एक टैंक में रखो, टेम्परेचर कोई भी हो, ये उसी टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाएगी। विदाउट फिल्टर भी आप रह सकते हैं, विदाउट एयर पंप भी आप इनको रख सकते हैं, बहुत हार्डी होती है। और नेक्स्ट पांचवी फिश बात करें तो ज़ेब्रा डानियोस। ज़ेब्रा डानियोस जो डानियोस की फैमिली से बिलोंग करती है, ये ग्रुप में रखना पसंद करती है, 5 से 6 फिशेस आप ग्रुप में रखें बहुत बेस्ट रहेगा, और ये भी बहुत हार्डी होती है, लेकिन इनको ग्रुप में रखना पड़ता है, और ये बहुत सिंपल है इनको केयर करना, ज़्यादा इनको भी ले भी पीएच लेवल अमोनिया इस तरह का कोई ध्यान देना नहीं पड़ता, सिंपल एक टैंक में लाकर रखो, लेकिन फ़िल्टर होना ज़रूरी है, फ़िल्टर अच्छा रखो, इंटरनल फ़िल्टर रखो और डेली 2 टाइम फिट करो, बहुत अच्छा रहेगा। और ये आपको 30 रुपये से पेयर आपको ये आपको मिल जाएगी, ये बहुत हार्डी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इन सब को लाकर, जैसा मैंने कहा कि प्लैटिस, वाटेल और गप्पीस और डानियोस, इन 4 को भी आप मिक्स करके एक टैंक में रख सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे तो विडो टेट्रा जो है बहुत वन ऑफ द हार्डी फिशेस होती है, बहुत यूनिक इसका पैटर्न होता है, बहुत अच्छी लगती है, और ये आपको 30 रुपीज़ सिंगल में मिल जाएगी, कहीं कहीं पे आप ये 40 रुपीज़ पेयर में आपको मिल जाती है। कोई भी टेम्परेचर में रखो ये रह जाएगी, विदाउट फिल्टर भी और विदाउट हीटर भी रखो आप, ये फिशेस जो है रह जाएगी, बहुत ईजी टू केयर है। लेकिन ये एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये फिशेस जो है दूसरों के परों को काटना पसंद करती है, फिन निबलिंग होती है, तो इनको आप गोल्ड फिश के साथ या एंजल फिश के साथ या बेटा फिश के साथ मत रखें। और नेक्स्ट फिशेस हम बात करेंगे तो वो बॉटम फीडर फिश होती है, जो नीचे रहती है, उसका नाम है कोरिडोरस फिश कहते हैं। ये बहुत बेस्ट फिशेस है, बहुत इजी टू केयर है, ये 4 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बहुत ईजी होती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ग्रेवल का इस्तेमाल करें, जो नीचे होता है सैंड का इस्तेमाल करें, बड़ी जो
ज़रात होते हैं, सैंड का इस्तेमाल करें, बालू का इस्तेमाल करें, अगर आप ग्रेवल इस्तेमाल करेंगे, शार्पी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा नीचे रहती है, तो जब नीचे रहती है तो स्विमिंग करते करते अपने आप को हर्ट कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस तरह का सैंड रखें तो बेटर रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्लानेट टैंक होना ज़रूरी है, नॉर्मल टैंक में भी इनको रख सकते हो, लेकिन सैंड होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 60-60 रुपये में सिंगल आपको मिल जाएगी। तो अगर नेक्स्ट फिश की बात करें तो हम है हार्लिकिन रोजबोरा। हार्लिकिन रोजबोरा जो है बहुत हार्डी फिशेस है, बहुत बेस्ट फिशेस है, और उनका कलर्स भी जो है बहुत 60 रुपीज़ में आपको 60 रुपये में पेयर मिल जाती है। लेकिन ये प्लांटेड टैंक में रखना बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्मल टैंक में रख सकते हो, लेकिन नॉर्मल टैंक में देखा गया है कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं जीती, बहुत जल्दी ये मर जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्लांटेड टैंक में रखें। अगर प्लांटेड टैंक में है तो आप इनको ग्रुप बनाकर रख सकते हो, सिंगल नहीं रख सकते क्योंकि ग्रुपिंग फिशेस है, ग्रुप में रहना पसंद करती है। आप एटलीस्ट 6 से ज़्यादा फिशेस ला कर रखेंगे तो एक साथ में रहेगी, एक साथ में खाएगी और एक साथ स्विम करती रहेगी एक जगह से दूसरी जगह, वो भी देखकर बहुत अच्छा लगेगा, यूनिक लगेगा। तो हार्लिकिन रोजबोरा भी बहुत हार्डी फिशेस हैं, लेकिन प्लांटेड टैंक होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट फिशेस बात करेंगे तो वो भी प्लांटेड टैंक के लिए वाली फिशेस है, नियॉन टेट्रास। नियॉन टेट्रास कहते हैं या कार्डिनल टेट्रास, दोनों भी थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो नियॉन टेट्रास बहुत हार्डी फिशेस हैं, लेकिन इनको भी ग्रुप में रखना पसंद बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि 12 फिशेस से ज़्यादा एक साथ रखें, 2-3 फिशेस लाकर रखेंगे तो जल्दी मर जाती हैं क्योंकि ये ग्रुप में रहना पसंद करती है, तो ग्रुप में लाकर रखें। तो नियॉन टेट्रास जो है 8 साल से ज़्यादा जी लेती है अगर प्रॉपर केयर करें तो। ये बहुत हार्डी होती है और आपको 60 रुपये में पेयर मिल जाती है, 60 रुपीज़ पर पेयर मिल जाती है। ये भी बहुत हार्डी होती है, लेकिन इनके लिए भी प्लांटेड टैंक होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल टैंक में भी रख सकते हो, लेकिन ये नॉर्मल टैंक में ज़्यादा लाइफ नहीं जी पाती। नेक्स्ट फिश की हम बात करेंगे तो रोजी बाब जो है बहुत कम मिलती है एक्वेरियम स्टोर में, बहुत लोग कम सेल करते हैं, लेकिन ये भी बहुत हार्डी फिशेस होती है। ये भी विदाउट टेम्परेचर, आप विदाउट हीटर भी रख सकते हो, बहुत इजी टू केयर है और ब्यूटीफुल कलर होती है क्योंकि थोड़ा वाइब्रेंट रेड कलर होती है, तो देखने के लिए बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन इनके लिए भी ज़रूरी है कि आप प्लानेट टैंक में रखें। नॉर्मल टैंक में भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि प्लानेट टैंक ही होना ज़रूरी है, लेकिन नॉर्मल टैंक में ज़्यादा लाइफ नहीं जी पाती। अगर आप प्लानेट टैंक में रखेंगे तो 4 साल से ज़्यादा भी ये जी लेती है, और ये भी ग्रुपिंग फिशेस से आप इनको ग्रुप में 4-5 के हिसाब से रखें तो बेटर रहेगा रोजी बाब को। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, रोजी बाब जो है कभी कभी फिन निबलिंग होती है, दूसरों के परों को कट करना पसंद करती है, हमेशा दूसरों को काटती रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप गोल्ड फिश के साथ मत रखें, एंजल फिश के साथ मत रखें इनको, और बेटा फिश के साथ मत रखें। हम बात करेंगे तो गौरामिस जो बहुत हार्डी होती है। ये फिशेस को जो है विदाउट आप ऑक्सीजन भी रख सकते हो, विदाउट हीटर भी रख सकते हो, बहुत हार्डी फिशेस होती है। जैसा कि ब्लू गौरामी की बात कर रहा हूँ, वो भी बहुत हार्डी होती है, ड्वार्फ गौरामी, ये दोनों फिशेस भी बहुत हार्डी होती है। ये बहुत कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी है, दूसरे फिशेस के साथ आप मिक्स करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, और विदाउट टेम्परेचर भी, विदाउट हीटर भी रख सकते हो, और आपको पर पेयर जो है 50 रुपये में 50 रुपीज़ पर पेयर मिल जाती है। आप नॉर्मल टैंक में इनको रख सकते हो, प्लांटेड टैंक में भी आप इनको रख सकते हैं, बहुत इजी टू केयर है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इनको आराम से खरीद सकते हैं। तो आज का दोस्तों टॉपिक यही था, मुझे बताना था कि कौन सी हार्डी फिशेस है जो बिगिनर्स के लिए बहुत बेस्ट होती है। जाने से पहले यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक नए टॉपिक के साथ मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूं। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।